इसराइलियों ने सबसे बड़ी पकड़, कह रहे कि इसराइलियों की आज तक कोई पकड़ नहीं थी, आज तक कोई इसराइल को हरा नहीं सकता, हालेलुया, न हराने पाएगा। जो लोग वहां पर भी गए हुए हैं इंडिया से। दोस्तों, बाइबल में से हमें परमेश्वर के कई ऐसे नबियों और भविष्यवक्ताओं के बारे में जानने को मिलता है जो समय समय पर परमेश्वर की आज्ञा पाकर कई इजरायली राजाओं तक परमेश्वर का संदेश पहुंचाते थे और आने वाले समय में होने वाली घटनाओं को लेकर भी भविष्यवाणियां करते थे, क्योंकि परमेश्वर इन नबियों और भविष्यवक्ताओं पर भविष्य में होने वाली कई बातों को प्रकट करते थे। और आज भी परमेश्वर के कई ऐसे दास हैं जिन पर परमेश्वर कई भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में अपनी आत्मा के जरिए उन पर कई बातों को जाहिर करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको परमेश्वर के दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी के द्वारा इसराइल को लेकर की गई एक भविष्यवाणी की वीडियो क्लिप दिखाने जा रहा हूं, जिसमें वह बता रहे हैं कि परमेश्वर की आत्मा ने उन पर आने वाले समय में इसराइल में क्या होगा, ये सब जाहिर किया है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो क्लिप को और जानते हैं कि इसराइल को लेकर क्या भविष्यवाणी की प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी ने। कोई ना कोई शुरुआत की जाए। इसराइलियों ने सबसे बड़ी पकड़, कह रहे कि इसराइलियों की आज तक कोई पकड़ नहीं थी, आज तक कोई इसराइल को हरा नहीं सकता, हालेलुया, न हराने पाएगा। जो लोग वहां पर भी गए हुए हैं इंडिया से या कहीं से भी, मैं सिर्फ इंडिया वालों के लिए नहीं, सबके लिए दुआ कर रहा हूं। अगर आप प्रभु को जानते हो और पहचानते हो तो आप वहां बैठकर भी, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई हो, वहां बैठकर भी सच्चे दिल से परमेश्वर को याद करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसको स्वर्ग से एक कग्गा आएगा, एक एंजल आएगा, उसको खाना प्रोवाइड करा कर जाएगा। आमीन। आप ऐसी ऐसी न्यूज सुनेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर हमारा फेवर करना जानता है। आमीन। लेकिन मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूँ, इस युद्ध से आपको, आपको दूसरे आसपास के देश डरे हुए हैं, अभी आप डरे नहीं हुए। तो दोस्तों, आप सभी इसराइल के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना जरूर करें। परमेश्वर आप सभी प्रार्थना करने वालों को आशीष दें।